हेलो दोस्तों, वेलकम बाय यूट्यूब चैनल माधव ऑटो ज्ञान्स में। यहाँ पे स्कॉर्पियो न्यू मॉडल्स के अंदर हाल ही में लॉन्च हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका फ्रंट के लुक को काफ़ी डिजाइनिंग किया है महिंद्रा ने। एक बार फिर 700 की कॉफी एंड टाइप में देखने को मिलेगी, जो महिंद्रा की ही गाड़ी है। इसके एटिस के लाइव्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको DRL लाइट एंड LED लाइट का भी ऑप्शन काफ़ी खूबसूरती के साथ में डिज़ाइन किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंदर की ओर से और बाहर की ओर से काफ़ी ढेर सारी फैसिलिटी की प्रोवाइड करा है। यहाँ पे आपको फ्रंट में कैमरा मिलेगा जो 360 डिग्री में, एक मिरर कैमरे के सामने और एक यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड लॉक एंड पुशिंग बटन का इस ऑप्शन पर दे रखा है। पीछे की ओर भी आपको महिंद्रा का यहाँ पर लोबो, जो न्यू लोबो आया है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक रियर साइड भी कैमरा। तो आइए आप दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्कॉर्पियो के बारे में। सो क्या है ये, 6 सीटर एंड 7 सीटर दोनों के अंदर भी है। और इसका इंजन मिलने वाला है आपको 2184 cc का इंजन मिलने वाला है, जो हाल ही में जो लॉन्चिंग किया है। और इसके अंदर आपको डीजल वर्जन एंड पेट्रोल का दोनों का भी ऑप्शन दे रखा है। डोर वाइजर के अंदर और सीट के अंदर यहाँ पे हैंडल्स टाइप में एक हुक दे रखा है, जो आप इसको फोल्ड करके काफ़ी बड़ी डिक्की कर सकते हैं, जिसमें आप 5 सीटर 7 सीटर 6 सीटर टाइप में आप होल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स वगैरह भी दे रखे हैं। पीछे से AC को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फुल डिजिटल यहाँ पे एंड्रॉयड डिस्प्ले दे रखा है, जो काफ़ी बड़ा है आपको एंड म्यूजिक सिस्टम के लिए एंड वीडियोस के लिए। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं काफ़ी डिज़ाइनिंग के साथ में है। जगह जगह सेंसर्स एंड ट्यूटर्स एंड स्पीकर का भी ऑप्शन जगह जगह से दे रखा है। फ्यूल टैंक इसमें मिलने वाला है आपको 60 लीटर का, जो काफ़ी बड़ी दूरी को तय कर सकता है। एक 460 लीटर का भी फ्यूल टैंक से इसमें इसमें आपको डिक्की मिलने वाला है आपको 460 लीटर का, जो काफ़ी बड़ा स्पेस होता है इस गाड़ी के अंदर। तो ग्राउंड क्लियर की बात करें तो इसमें ग्राउंड क्लियर भी काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है। सीट एंड लेंथ वगैरह 4456 mm इसकी लेंथ है और 1820 mm इसकी ऊंचाई है और 1995 इसकी लंबाई है। तो काफ़ी इस गाड़ी के अंदर आपको तमाम सारी फीचर्स देखने को मिलेगा। ऊपर आपको सनरूफ के ऑप्शंस वगैरह एंड यहाँ पे आपको स्टीयरिंग के ऊपर काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं, जिसमें आप एडवांस फीचर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप ये कौन से ऑप्शन से आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है आप ही को नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे इसमें सीखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके AC के कंट्रोल्स वगैरह लेदर काफ़ी फिनिशिंग के साथ में यूज़ किया है, जो इंटीरियर के ऊपर देख सकते हैं दो कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे आपको लाइट वगैरह भी मैनर के ऊपर दे रखा है। यहाँ पे कंट्रोल्स आ गए आपके सनरूफ वगैरह के, जो काफ़ी एक्टिव बनाता है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैनुअल गियर को रिवर्स के लिए इसको उठा के ऑप्शन दिया है, जो ऑडी एंड फरारी के अंदर जो ऑप्शन देते हैं उस टाइप से आप रिवर्स गियर इसका लगा सकते हैं। ट्रांसमिशन इसका मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के लिए भी दो ऑप्शन में। और यहाँ पे आपको ऊपर खबर रस्ते के लिए भी इसमें सस्पेंशन वगैरह का भी ऑप्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और एंड का यहाँ पे वायरलेस चार्जर एंड आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन दे रखा है। काफ़ी खूबसूरत के साथ में इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है महिंद्रा ने सुपर स्कॉर्पियो, और हाल ही में इसको लॉन्च कर दिया है। 2.2 लीटर्स का इसका इंजन मिलने वाला है 4 सिलेंडर के साथ में। और इसकी वारंटी की बात कर लेते तो आपको 2 साल की वारंटी मिलने वाली है 75,000 किलोमीटर के इसमें, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ से बटन एंड पुश बटन स्टार्टिंग इसमें ऑप्शन दे रखा है। यहाँ महिंद्रा की न्यू ब्रांडिंग बैजिंग दे रखी है, जिसको स्टीयरिंग के ऊपर हारने के पास में सिल्वर का दे रखा है। ऐसा लगेगा कि बटरफ्लाई इसमें जगह जगह से उड़ रही है। यहाँ पे वाइपर्स एंड टीपर्स के लाइट वगैरह कंट्रोलिंग सारे ऑप्शंस यहाँ पे इंस्टॉल है। एंड यहाँ पे डिजिटल मीटर का भी ऑप्शन दिया है और मैनुअल मीटर्स एंड एक्सीलेटर के साथ में। यहाँ पे स्पीकर सोनी का लगा हुआ है, जो काफ़ी इस गाड़ी की म्यूजिक सिस्टम को बेहतर बनाता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूले और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूले। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जब तक के लिए अलविदा एंड बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। आप ही का चैनल माधव ऑटो ज्ञान।